मार्वल मूवीज में होने के बावजूद भी क्यों है स्पाइडरमैन के ओनर सोनी पिक्चर्स, क्यों वेनम फिल्म में स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई रेफरेंस नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करेंगे मार्वल कॉमिक्स के एक बहुत ही फेमस विलेन कैरेक्टर वेनम की अपकमिंग सोलो दूसरी फिल्म वेनम 2 के बारे में। कॉमिक फैंस इस बात से वाकिफ जरूर होंगे कि एक्चुअल में वेनम कैरेक्टर मार्वल के एक बहुत ही चहीते सुपरहीरो स्पाइडरमैन का एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है, यानी कि स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन और मेन विलेन भी। लेकिन अफसोस, अभी तक वेनम कैरेक्टर का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, और सिमिलरली वेनम फिल्म में भी मार्वल के किसी भी फिल्म या किसी भी कैरेक्टर के साथ वेनम का कोई रिलेशन शो नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इसे मार्वल की ही बुरी किस्मत कहा जा सकता है, क्योंकि आज के समय में मार्वल का जितना बड़ा ब्रांड नेम है, 90s में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त मार्वल काफी ज्यादा लॉसेस में चल रहा था, जिस वजह से मार्वल ने अपने कुछ कैरेक्टर्स के राइट्स को बेच दिया था ताकि वो अपनी कंपनी को बंद होने से बचा सके, और मार्वल ने अपने वन ऑफ द मोस्ट फेमस सुपरहीरो कैरेक्टर स्पाइडरमैन के राइट्स को सोनी पिक्चर्स को बेच दिया था। स्पाइडरमैन राइट्स खरीदने से सोनी के पास ना सिर्फ स्पाइडरमैन के राइट्स बल्कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड सभी कैरेक्टर्स को ऑफिशियली यूज करने का पूरा असेस भी मिल गया था। स्पाइडरमैन कैरेक्टर के साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए, स्पाइडरमैन 1 और 2, उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी, लेकिन कहीं ना कहीं सोनी इस कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जिस वजह से सोनी ने अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स से एक और कैरेक्टर की सोलो फिल्म को लॉन्च किया, जो कि थी वेनम, और ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, और मेकर्स अब इस फिल्म के सीक्वल को लेकर भी काफी तैयारियां कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें स्पाइडरमैन की, तो 2015 में मार्वल और सोनी के बीच में एक सक्सेसफुल एग्रीमेंट हुआ था, जिसे मार्वल के पास स्पाइडरमैन को एक्सप्लोर करने का भी असेस मिल गया था, लेकिन स्पाइडरमैन की एक्चुअल ओनरशिप सोनी के अंडर ही रही, और इसी वजह से हमें स्पाइडरमैन का ऑफिशियल मार्वल डेब्यू देखने को मिला कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, और उसके बाद स्पाइडरमैन की दो सोलो फिल्म्स भी आईं, स्पाइडरमैन होमकमिंग और स्पाइडर फार फ्रॉम होम। दोनों ही फिल्म्स ब्लॉकबस्टर साबित हुई और प्रॉफिट के मामले में तो बहुत ही ज्यादा बेहतर, जिस वजह से सोनी और मार्वल दोनों इस एग्रीमेंट डील से काफी सैटिस्फाइड है। तो चलिए, अब आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके स्पाइडरमैन कैरेक्टर के बारे में क्या विचार है। इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के स्क्रिप्ट राइटर है अभिषेक मिक्की, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।